हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों आखिर मैं काफी दिनों से बोलता आया हूँ और आपको जो भी चीजें दिखाता आया हूँ वो बिल्कुल सच और रियल। आज की वीडियो के अंदर मैं प्रूफ साबित करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अक्सर जो मैं कहता आया हूँ कि आज नहीं तो कल तो आपको जानू मालूम पड़ जाएगा कि ओला उबर का बिजनेस कैसा होता है और वो आप खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करेंगे। तो फाइनली आज का वीडियो भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, इनको आप पहचानते होंगे, इनके मुंह से ही हम सुनेंगे, इनकी जबान से हम सुनेंगे कि आखिर सच्चाई ओला उबर की जो सच्चाई है, कैब बिजनेस की सच्चाई है और आप जो नया गाड़ी लेके आ रहे हो वो आज नहीं तो कल आप एक्सेप्ट तो करोगे ही। तो जो ओला उबर की सच्चाई है वो आज एक्सेप्ट नहीं करोगे, कल आपको नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन एक ना एक दिन तो आप कैलकुलेशन, जो मैं कहता आया हूँ, जिस दिन आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे और आप समझ लोगे आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको समझना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ओला उबर का जो बिजनेस होता है ना, ऑनलाइन कैब एडर कंपनियों का जो बिजनेस है वो किस तरीके से होता है और इसके अंदर काम करना किस तरीके से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको आज के वीडियो के अंदर फाइनली मिल जाएंगी। तो फाइनली आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं जो चीजें आपको दिखाने वाला हूँ, इसको देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, आपको ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जो कि आप एकदम सीख सकते हो, आप समझ सकते हो, उस पॉइंट ऑफ को जान सकते हो कि ये हमारा जो बिजनेस है, हमें इस तरीके का जो दिखाया जाता है, जो बंदे हैं जिसका वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप इनको अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं कोई मतलब गलत टिप्पणी वगैरह नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वीडियो लिया हुआ है ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा देखिए और ध्यान से सुनिए ताकि आपको इसकी एक इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपके काम हेल्पफुल हो सकती है फुल। काम कह नहीं सकता, अभी बढ़िया चल रहा है भाई। इतने दिन से आपके मन में भी बहुत क्वेश्चन थे, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, अभी भाई कहाँ गायब हो, क्यों नहीं वीडियो डाल रहे, सारा कुछ ठीक है नहीं है। और मैं हर किसी को आपको यही रिप्लाई कर रहा था, अभी भाई टाइम आने दो, बैक एंड पे बहुत चीजें चल रही हैं, वो आपको वीडियो के थ्रू ही बताऊंगा। सो अभी टाइम आ गया है, अब आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ वो चीजें, ठीक है। यहाँ भाई हो गई है दोबारा स्ट्राइक का, ठीक है। प्रॉपर नहीं स्ट्राइक की है इस बार किसी ने भी कि गाड़ियां रोक दी हैं, लेकिन कंपनियों ने रेट इतने का घेर दिए कि मजबूर हो गए हैं भाई सारे, ठीक है। अभी मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, आगे आपने मेरे मुंह से कभी नहीं ये चीजें सुनी होंगी कि रेट कम है, ये है, अभी काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपको प्रूफ देता था, मैं बाकी को गलत साबित कर देता था, ठीक है। और अभी आपने देखा भी होगा, सीरीज स्टार्ट की थी वो भी रोक दी इसी कारण, क्योंकि अब वाकई भाई रेट कंपनियों ने बहुत गिरा दिए, ठीक है। 6-7 रुपए किलोमीटर पे, पर किलोमीटर पे आ गए हैं वो लोग, वो जो वारा नहीं खाएगा। और जितने भी नए भाई हैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई जो भी गाड़ी लेने की अभी सोच रहा है प्लीज रुक जाओ, 2 महीने आप वेट करो, उसके बाद खुद आपको बताऊंगा वीडियो के थ्रू ही कि जब टाइम सही होगा, ठीक है। पूरे 2 साल के अंदर मैंने कभी ये बात नहीं की, लेकिन अब भाई वाकई दिक्कत होगी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करना, ये नहीं मैं कह रहा कि हाँ यार डालो ही ना गाड़ियां, डालो, लेकिन जब टाइम सही आएगा तब। तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखी इसके अंदर कहा गया है कि हाँ मैं अभी तक दूसरों को गलत साबित करने पे लगा हुआ था, लेकिन आज इन्होंने खुद साबित किया हुआ है कि जो बिजनेस होता है वो कैसा होता है, क्या जो कंपनियां हैं वो 6-7 रुपए किलोमीटर दे रही हैं, किस टाइप का बिजनेस हो रहा है और जो इससे पहले करते थे या कर रहे थे वो कैसा था। तो जो माहौल आता रहता है और जो बिजनेस का कैटेगरी, जो मतलब टाइमिंग आती रहती है काम करने की, वो सारी चीजें इन्होंने आपके सामने रखी हुई हैं ताकि आप एक सोच सकते हो कि हमारा जो बिजनेस होता है ना, अक्सर मैं कहता आया हूँ आप कोई भी कैबिटर हो, ऑनलाइन कोई भी कैबिटर कंपनी पर डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरा इन्होंने ये भी साबित किया है कि आज तक मैं दूसरों को गलत साबित करता आया हूँ और इन्होंने खुद माना है कि हाँ बिजनेस खत्म है, और इन्होंने खुद भी कहा है कि 2 महीने के बाद शायद कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ऐसा कह दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप
ओला उबर के ऊपर या कोई भी कैब वगैरह कंपनी हो ना उसके ऊपर डिपेंड होकर के अपने 10 लाख रुपए मत फंसाना। यहाँ पर काफी ज्यादा जो भाई होते हैं वो कमेंट करते हैं, मेरे अभी तक कमेंट के मेरे बहुत सारे मतलब दूसरे जो वीडियो क्रिएटर होते हैं ना उनके अंदर मैंने कई सारे कमेंट देखे। मेरे को तो अभी तक एक ही कमेंट किसी ने किया था कि आपके वीडियो देखने के बाद मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मैंने यही चीज दूसरों के वीडियो पर भी कमेंट वगैरह चेक किए थे तो वहां पर लिखा हुआ था कि आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जिस बंदे के देख रहे थे उसका वीडियो, मेरे नहीं वहां पे दूसरा था। तो जिनके वीडियो हम देख रहे हैं आपका वीडियो हम देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और दूसरे डीमोटिवेट कर देते हैं। तो भाई चाहे मैं हूं या फिर कोई दूसरा हो, ये चीज आपने जो कमेंट किया वो सही है, लेकिन आप ये मत सोचो कि दूसरे डीमोटिवेट कर देते हैं या आपको कोई दूसरा मोटिवेशन कर देता है। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो कोई भी वीडियो क्रिएटर हो, मैं हूँ या कोई दूसरा हो, अगर वो कोई चीज दिखा रहा है आपको, सच दिखा रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या उसको क्या फीलिंग हो रही है आपकी, तो वहां पर जो भी आप काम स्टार्ट करने वाले हो ना वहां पर आपका पैसा खुद का जाने वाला है। आप एग्जाम्पल समझ लो, अगर आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं वहां पे 150-200 रुपए डालते हैं, अगर वो मूवी आपको पसंद नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, टोटल वेस्ट हो गया यार, टाइम वेस्ट भी हो गया, पैसे भी वेस्ट हो गए, मूवी भी अच्छी नहीं लगी। या फिर आप कहीं खाने में खाना खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कोई दोस्त फ्रेंडों के साथ में जाते हैं, तो जिस टाइम आप दोस्त फ्रेंडों के साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको खाना वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता है और आपका पैसा वेस्ट जाता है, तो आपको क्या वहां पर डीमोटिवेशन मिलता है क्या मोटिवेशन मिलता है? तब तो आप वहां पे बोल देते हो कि यार बहुत ही बेकार खाना था, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, पैसे भी वेस्ट हो गए। तो सोचो 100, 150, 200, 250 रुपए में आपके टोटल पैसे वेस्ट हो जाते हैं, और जहां पर आप 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए की डीपी भर के गाड़ी लाओगे, 15-17 हजार 12 हजार 14 हजार 20 हजार की गाड़ी की ईएमआई भरोगे, तो वहां पर डीमोटिवेशन किसको कहोगे या कहोगे मोटिवेशन मिल रहा है? भी कंपनियों ठीक है, प्रधान साहब अपने साथ हैं और सभी ड्राइवर नए पुराने इनमें सारे अपने साथ हैं। इनसे जो आपके क्वेश्चन हैं नए बंदों के भी पुराने बंदों के भी सारे अभी प्रधान साहब से क्लियर करते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, पिछले साल भी आपने देखा था आप लोगों के कारण बैठे थे ठीक है, और इस बार फिर बिलकुल खत्म कर रही है ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਿਡ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਬ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ 24 ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਬਲਾ ਹੋਗੀ ਬਲਾ ਬਲਾ ਹੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਥ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੇਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਟਾਲਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਲਏ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੈਟਰ ਐਸਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਗ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਆਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ 900 ਰੁਪਏ ਮੁੰਡਾ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 1000-1500 ਰੁਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਈਕ ਬਣਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਚ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਈ, ਵਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਵਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਣ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਗਾਏ ਲਾਏ ਲਾਏ
तो यहाँ पर जो वीडियो में साइड में चलाई यहाँ पर देख रहा हूँ चंडीगढ़ के अंदर मतलब प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक नहीं की है। जो भी ऑनलाइन कैब्रिकेटर कंपनी है ना उनका बहिष्कार किया है, मतलब उनको ऑनलाइन जाने से मना किया गया है कि आप जो इस फेयर में कम पैसों में काम कर रहे हो उसकी वजह से टोटल जो बिजनेस है ना वो तबाह और बर्बाद हो रहा है। तो काफी सारे ड्राइवर जो कम फेयर में काम नहीं करना चाहते हैं और जो खड़े हुए हैं वो धूप में खड़े हुए हैं। किसके लिए खड़े हुए हैं? ड्राइवर कम्युनिटी के लिए। अगर कोई बंदे 4, 5, 8, 10, 25, 50 लोग कोई अच्छा काम करने के लिए है और जब फेयर वगैरह बढ़ेगा बातचीत होगी तो इसमें सारे ड्राइवर्स कम्युनिटी का ही बेनिफिट्स होता है, ना कि जो लोग खड़े हुए हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं धूप में खड़े हुए हैं वो अपना धूप में खड़े होकर अपना टाइम दे रहे हैं। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको फेयर से अच्छा खासा मिल रहा है और फिर भी इस तरीके की घटना आ रही है तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए कोई खड़ा है तो उसकी बात को सुनो। सभी ड्राइवर कम्युनिटी के लिए होता है, चाहे वो इंडिया का किसी भी जगह हो रहता हो, अगर वो ऑलरेडी काम कर रहा है इस फील्ड में तो उनको एक सपोर्ट देना चाहिए, भले किसी भी तरीके से देना चाहिए। हाँ मुझे भी ये चीज़ मालूम है आपके ऊपर प्रेशर है, गाड़ी ले लिया है आपने, गाड़ी का EMI है, वो सारे कुछ टेंशन है। तो आप जो सोच रहे हो कि 500-700 गाड़ी का EMI, 500 रुपये घर खर्चा निकल आएगा, इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे तो इन फ्यूचर ये जो तकलीफ है ना वो आपकी बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगर आपको इससे पहले ही अपना प्लान कर लेंगे और लोगों का साथ और सपोर्ट में खड़े होंगे तो इससे बेनिफिट आपको भी मिलेगा और जो साथ में खड़े हैं आपके और जो ये काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं नेक काम कर रहे हैं आपके लिए खड़े हैं आपके लिए बात कर रहे हैं तो आपको इनको सपोर्ट देना चाहिए। इनको एक एक हौसला बढ़ता है, इनका एक ऐसा बढ़ता है कि हमारी ड्राइवर जो कम्युनिटी है वो हमारे लिए खड़ी है हमारे पीछे खड़ी है, तो वो उनका एक साहस बढ़ता है उनका एक हिम्मत बढ़ती है वो इस तरीके से काम करने का। तो मेरे सिटी के अंदर अगर इस तरीके के लोग मेरे सिटी में ज्यादा ट्रैफिक वगैरह जो वगैरह होती है ना स्ट्राइक वगैरह होती तो वो करते नहीं है पहली चीज। और मैं ऐसे सभी भले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि काफी धूप के अंदर लोगों के लिए बैनर लेके जो टैक्सी ड्राइवर है इनका भी घर परिवार है और ये भी आपके लिए खड़े हुए हैं तो आप भी इनका सपोर्ट देना चाहिए इस टाइम पे। क्योंकि आप देख रहे हो 6 रुपए 7 रुपए किलोमीटर बहुत सारी कैब वगैरह कंपनियां जिनका लाइसेंस भी नहीं है वो भी चल रही है धड़ल्ले से और जो भी फेयर वगैरह मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है। तो ये वाली वीडियो दिखाने का मतलब ये था कि मैंने आपको कई सारी वीडियो के अंदर आपको गाइड किया है आपको सजेशन दिया है आपके साथ शेयर किया है कि आज नहीं तो कल आपको सीखने को मिल जाएगा। आप जिस दिन अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन आप जान जाएंगे कि हमको क्या बच रहा है हम क्या कमा रहे हैं हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितना गाड़ी टूट रहा है। तो ये जो मैंने आपको दिखाई है पंजाब इनका वीरेंद्र नाम था ठीक है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं इन्होंने खुद कहा है कि मैं 2 साल तक चलाता रहा मैं भी अभी तक दूसरों को गलत साबित करता रहा तो इन्होंने खुद साबित कर लिया इन्होंने खुद जाकिर कर दिया कि हाँ बिजनेस ऐसा है बचत कैसी हो रही है वो सारी चीजें इन्होंने शेयर करी है और खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये चीज होती है। तो यही कहता हूं मैं आया हूं आपसे कहता आया हूं कि आप लोग भले ही आज नए हो फ्रेशर हो नए नए हो गए 12 घंटे की जगह 18 घंटे ड्यूटी करोगे मजा आएगा आपको काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब इस टाइप की सिचुएशन आती है बिजनेस ड्रॉप होता है और फिर ड्रॉप होता है तब वहां पर दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फाइनली आज का वीडियो एक मैसेज देने का था तो आई होप आप समझ गए होंगे कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होता है तो वहां पर आपको गाड़ी लेने का रिलेटेड किस तरीके से लेना है क्या प्लान करना है वो सब चीजें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो और देख सकते हो कि ओला उबर का जो बिजनेस है वो किस तरीके से हो रहा है और क्या फेयर वगैरह मिल रहा है और ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे मांगने की न्यूज वगैरह जो आ रही है वो सब मैंने जो कल वाली वीडियो में दिखाया था वो सब ये सब क्यों हो रही है जब अच्छा खासी कमाई है ड्राइवर कर रहा है आपको बहुत सारे वीडियो क्रिएटर आपको दिखा रहे हैं लेकिन आज की तारीख में वो भी इस चीज को कबूल करने लगे हैं। मैं आपको कई सारी वीडियो के अंदर प्रूफ दिखा चुका हूं और ये सारी चीजें दिखा चुका हूं। देखो जो वो कुछ टाइम के लिए जो बिजनेस मतलब फास्ट हो जाता है ना
वहां पर मनगढ़ंत कहानी बना करके एक्स्ट्रा दिखाना, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन हकीकत इस समझ के चलने का कि हमारे 12 महीने में बिजनेस किस तरीके का चला जा रहा है। 15 दिन आपका अच्छा काम हो जाए तो वो काम नहीं कहलाता है। 15 दिन अगर आपका अच्छा काम हो जाए तो वो काम नहीं होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी का EMI 5 साल तक का है। तो आपको काम ऐसा लगना चाहिए कि कंटिन्यू हमारा काम हो, डेली हो, भले ही 1,000, 1,500, 2,000 डेली का प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं आनी चाहिए। इस टाइप से सोचना होना चाहिए, और ये चीज होती है तो क्लियर है। लेकिन किसी की ID बनना बंद होना और फेयर वगैरह नहीं देना, पॉलिसी देना, मतलब तो बहुत ज्यादा प्रेशर ड्राइवर के ऊपर डाल के, कम फेयर में डाल के, फिर उनको नोटिफिकेशन देना कि आपने डायरेक्ट वगैरह बुकिंग करी तो हम आपकी ID वगैरह बंद कर देंगे, कस्टमर से एक्स्ट्रा डिमांड की नहीं मान करना। तो फेयर कम कर दोगे तो कस्टमर से ड्राइवर एक्स्ट्रा की डिमांड करता है, तो वो सारी चीजें निकल के आती है। तो फाइनली आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।